खुश आमदीद जुमरुत। शुक्रिया। आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ मैं। नहीं, मुझे रेस्टोरेंट में जरा काम है। क्या मुझे 5 किलो कीमा मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। बहुत मसरूफ हो गई हो तुम, रेस्टोरेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कैसे कर लेती हुई है? मैनेज कर लेती हूँ मैं। कभी कभी जहन को सुकून चाहिए होता है। साहिल पर एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तुम जाना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे, मौसम भी अच्छा है। देखो, जो तुमने मुझसे कहा था मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं बताऊंगी। एहतियात करो, कीमा रेस्टोरेंट पर भिजवा देना। ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? हाँ? गोश्त लेने आई थी अम्मी। जबदेव के उधार का क्या हुआ? तुम उससे उधार कब वापस लोगे? उधार? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो तुम अपने भाई को बताओगी? ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बेटा, ये अपने आप में तुम क्या बड़बड़ किए जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। उधार की बात कर रहा हूँ, उधार की। उधार का एग्रीमेंट, घर आऊं तो याद दिलाइएगा मुझे। ठीक है, ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, मोहल्ले में कॉफी की दावत है, मैं वहां जा रही हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। बारहान उस लड़की को साथ लेकर कहीं गया है दादी, क्या आप जानती हैं कि वो कहां गया है? वो नागिन बाजार जाना चाहती थी। बारहान मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे खुद ले गया है। उस नागिन को देखिए, वो बारहान को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। हमें उसे जल्द सबक सिखाना होगा दादी। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब जरूर मुझे भी उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए। मगर दूं क्या? मिसाल के तौर पर क्यों ना उन्हें खूबसूरत सी कोई तस्वीर दे दूं? ये तो बहुत महंगी है, ये तो नाइंसाफी है। एक तस्वीर इतनी महंगी?